हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स। हम आज से अपना क्वेश्चन 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरीफाई, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी दे रखी है, दिस इज द आइडेंटिटी, बट ये आपको वेरीफाई करके बतानी है, प्रूव करना है कि ये एक्चुअल में आइडेंटिटी है या नहीं। ये फॉर्मेट जो है ये आइडेंटिटी का ही फॉर्मेट है, बट इसको आपको प्रूव करके वेरीफाई करके बताना पड़ेगा कि ऐसी आइडेंटिटी बनना पॉसिबल है या नहीं। सो टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी वी यूज 6th आइडेंटिटी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x क्यूब है, y क्यूब है, तो क्यूबिक टर्म्स हमें पॉजिटिव मार्क में केवल 6th आइडेंटिटी में मिल सकती है। तो हमने 6th आइडेंटिटी का यूज किया। 6th आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर, या फिर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस y। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे 3xy का x के साथ और y के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ऊपर वाला आइडेंटिटी बन जाता है, और अगर 3xy को कॉमन निकाल लिया जाए तो ये वाला फॉर्म बन जाता है। सो हम इस वाले फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए हमें यही फॉर्म चाहिए, यही पैटर्न चाहिए आइडेंटिटी का। नाउ ट्रांसपोजिंग मेथड दैट मीन्स अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं, या राइट हैंड साइड की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। और जब आप ट्रांसपोजिंग मेथड परफॉर्म करते हो तो साइन में भी चेंज आता है, जो पॉजिटिव टर्म्स होती है वो नेगेटिव बन जाती है, जो नेगेटिव टर्म्स होती है वो पॉजिटिव बन जाती है। सो एज वी कैन सी दैट 3xy x plus y ये एक पॉजिटिव टर्म है, इसके आगे प्लस का साइन लगा है, दैट मीन्स जब ट्रांसपोजिंग मेथड में हम इसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारी नेक्स्ट स्टेप है। हम देख सकते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब यहाँ पर राइट हैंड साइड में एज इट इज है, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए, बट प्लस 3xy x plus y को हमने ट्रांसपोज कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म थी, ट्रांसपोजिंग के बाद ये नेगेटिव टर्म बन गई है। अब हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में है और यहाँ पर x प्लस वाई का एक सिंगल ब्रैकेट है, दैट मीन्स इन दोनों ही टर्म्स में हम x प्लस वाई को एज अ कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। सो जब हमने x प्लस वाई को एज अ कॉमन फैक्टर बाहर निकाला तो क्यूब में से एक x प्लस वाई कॉमन फैक्टर बन के बाहर आ चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर केवल माइनस 3xy बचेगा, इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब एज इट इज। नाउ हम देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट आइडेंटिटी को बिलोंग करता है, तो हम इसे एक्सपांड कर देते हैं, दैट मीन्स x प्लस वाई होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी को एक्सपांड के फॉर्म में लिख देते हैं। सो ये कॉमन फैक्टर x प्लस वाई एज इट इज है, यहाँ का माइनस 3xy भी एज इट इज है, बस x प्लस वाई होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है उसका एक्सपांड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आप लोग चाहे तो बुक में एक बार कन्फर्म कर सकते, चेक कर सकते। सो ये हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को यहाँ पर एक्सपांड कर दिया। एक्सपांड करने के बाद हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो स्क्वायर टर्म है, तो इनका कोई सॉल्यूशन है नहीं, इनको आप फर्दर सॉल्यूशन कर नहीं सकते हो, बट 2xy एक पॉजिटिव टर्म है एंड माइनस 3xy एक नेगेटिव टर्म है। इनके जो वेरिएबल्स है एक्स वाई वो सेम है, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस आप इन दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो, और जब 3xy में से 2xy को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारे पास ओनली एक्स वाई बचेगा, माइनस एक्स वाई जो हमने यहाँ पुट कर दिया है। अब अगर इस चीज को हम अरेंज करें क्वेश्चन के पैटर्न में तो वो कुछ ऐसा बन जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यही चीज हमको हमारे क्वेश्चन में गिवन थी टू वेरीफाई, हमको इसी चीज को वेरीफाई करना था। जब हमने 6th आइडेंटिटी का यूज किया, ट्रांसपोजिंग मेथड लगाया और उसमें हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को पुट किया, तो हमें अपनी ये आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए मिल जाती है, वेरीफाई करने के लिए मिल जाती है। हैंस हम कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटी और इसको हमने वेरीफाई कर लिया है। ये मैंने 6th आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया है। 9th क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करने के लिए आपको 7th आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। मेथड बिल्कुल सेम है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, तो आपको 7th आइडेंटिटी का प्रूव करना का यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 9th के सेकंड पार्ट के लिए। और जहां मैंने यहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज किया है वहां पर आपको सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, विच इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर।
ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो भी बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।